मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं खारिज टीवी और मैं आपके साथ राज खालिद। आप देख रहे हैं अ न्यू थॉट शो और आज हम आपके साथ हैं इसमें एक और खूबसूरत टॉपिक को लेकर। और आज का हमारा टॉपिक है डेविल इज फायर कि शैतान जल चुका है। शैतान का जलना मेरे अजीजों, ये हम बड़े सादा से अल्फाज में बड़ी देर से सुनते आ रहे हैं कि शैतान का खात्मा हो चुका है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो ये ऑफिशियली हुआ भी। लेकिन आज हम इस मुद्दे पर थोड़ी सी और रोशनी डालेंगे और देखेंगे कि अपनी ज़िंदगियों में हम इसको कैसे ले सकते हैं और कैसे हम इस इंसानियत को पहन सकते हैं कि शैतान वाकई ही हमारी ज़िंदगियों में से जल जाए, ख़त्म हो जाए। इसी टॉपिक्स पर आज हम ऐसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। और इससे पहले कि हम खुदा की कलाम की जानिब जाएँ, आए अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम छोटी सी दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुदस के नाम में, ऐ हमारे आसमानी खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज फिर हमें ये तौफीक दी है कि हम तेरी हजूरी में आए हैं और खुदावन तेरे कलाम की बातों को सीखने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमें और भी ज़्यादा हिकमत से भर देना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो आए, अगर आपके पास भी खुदा का जिंदा मुकदस कलाम मौजूद है तो मेरे साथ निकालिएगा मुकदस यकूब का आम खत और उसका चार बाब। मुकदस यकूब और उसका चार बाब और उसकी 7 आयत को देखेंगे। यहां पर लिखा है, बस खुदा के ताब्या हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, आमीन। मेरे अजीजों, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जो कि हमने खुदा के कलाम से पढ़ा है कि बस खुदा के ताबिया हो जाओ। यानी कि सबसे पहला काम जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, हमें बताता है, वो ये है कि हमें खुदा के ताबिया हो जाना है। अगरचे हम खुदा के ताबिया हो जाते हैं तो हम शैतान का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार होंगे और उसका मुकाबला कर पाएंगे। तो ऐसा होगा कि शैतान हमसे भागेगा। लेकिन मजीद इसके बारे में हमें एक कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन वो क्या है, आए हम खुदा के कलाम से देखेंगे। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसको देखेंगे, उसके 3 बाब को देखेंगे और उसके 3 बाब की 9 आयत को देखेंगे। और यहाँ पर लिखा है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है। देखिए मेरे जीजू, ये कितनी खूबसूरत बात है कि अगरचे हम चाहते हैं, कई बार हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहा जाता है शैतान का मुकाबला करो, मुकाबला करो, लेकिन सबसे बड़ा हमें एक नुक्स है कि हम एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं। हम कई बार खुदा के कामों को पीछे कर देते हैं। लोग तो खुदा के काम को करने के लिए भी कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कई बार खादिम झूठ बोल देते हैं, कई बार कलीसिया अपना काम निकलवाने के लिए खादिम से झूठ बोल देती है। लेकिन कलाम हमें सबसे पहले इस बात पर फोकस करवाता है कि हमें झूठ बोलना छोड़ना है, झूठ नहीं बोलना बल्कि इसको छोड़ देना है। तो ऐसा होगा कि हम नई इंसानियत में पहचाने जाएंगे। क्योंकि मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि कई बार हम अपनी जिंदगी में झूठ बोलना जो छोड़ते नहीं हैं। ये जो हम एक नए साल में दाखिल होने जा रहे हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि नया साल जो है वो आ चुका है, तो हमने इसमें करना क्या है, पुरानी इंसानियत को छोड़ना है। पुरानी इंसानियत हमारे अंदर क्या थी, अपनी जिंदगी में झांक कर देखें कि आपने पुरानी जिंदगी में ज्यादा झूठ तो नहीं बोला, दो पहले वाले साल में आपने कुछ ज़्यादा नशा तो नहीं किया, क्या आप खुदा से दूर तो नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं आया कि आपने निजात तो पाई लेकिन खुदा के बारे में नहीं जान पाए। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आज खुदा के कलाम के मुताबिक हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम झूठ बोलना छोड़ दें। और जैसे कि हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं, इफिसियों के खत उसके 2 बाब में लिखा हुआ है कि खुदा की हिकमत के मुताबिक, खुदा की रूहानी अकल के मुताबिक जो कि हमें हमको खुदा ने दी है, उसके मुताबिक अपनी अकल को नया करें। हमने अगर कुछ करके दिखाना है तो कुछ नया करना होगा, अपने हौसलों को बुलंद करना होगा। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं,
अगर रूहानियत में वाकई शैतान को जलाना चाहते हैं तो हमें कुछ नया सोचना होगा, नया करना होगा। अगर कुछ नया सोचा है तो उसको करने की कोशिश करें, नहीं तो वास की किताब हमें बताती है कि कोई शख्स ख्वाब ना देखे। बहुत ऊंचे ऊंचे ख्याल बांधने वालों का कोई फायदा नहीं है। अब क्या फायदा अगर आप बहुत ऊंचे ख्वाब बांधते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी हिम्मत नहीं होती है। जरूरी है कि हम इनको छोड़कर नई इंसानियत को पहने और ऐसा जज्बा और ऐसा जुनून रखें कि शैतान को खुद हमें रास्ता हमारा रास्ता छोड़ना पड़ जाए, मुसीबतें हमारे लिए रास्ता खोल दें। हमें ये तभी हमारे लिए होगा जब हम नई इंसानियत को पहन लेंगे। तो इस कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और उम्मीद करते हैं कि आपने इसे कुछ सीखा होगा। आमीन।